अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपनी इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। 250 ग्राम मैं यहाँ पे स्पैगेटी यूज़ कर रही हूँ। स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए 1/2 टीस्पून नमक एंड 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब चिकन की ग्रेवी तैयार करने के लिए हम चीज़ें देख लेते हैं। चिकन यहाँ पे मैं 1 पाव यूज़ कर रही हूँ, इसे मैंने लंबाई के रूप कट कर लिए हैं। 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 3 अदद गाजरें, इसे भी मैंने लंबाई के रूप कट की है, 2 अदद शिमला मिर्च, 1/2 फूल बंद गोभी, 1 गिलासी यानी कि 3 से 4 टेबलस्पून पानी यूज़ करूँगी इन सब चीज़ों को गलाने के लिए। चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर इसमें 1/2 टीस्पून, मिर्च के बीज 1.5 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, 1 स्मॉल साइज़ की प्याज, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 4 अदद हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 2 टेबलस्पून सिरका। सबसे पहले हम यहाँ पे स्पैगेटीज को बॉईल कर लेते हैं। पतीली में मैंने 2 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर नमक और साथ ही 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। इसे मिक्स करेंगे। और स्पैगेटी इसको इसके अंदर रख देंगे बॉयलने के लिए लंबाई के रूप। ये जैसे ही नीचे से नरम हो जाएगी फिर बाकी स्पैगेटी इसको भी हम अंदर ऐसे ही कर देंगे। इसे मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। जब तक हमारी स्पैगेटी बॉईल होती है हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। बाउल लेंगे यहाँ पे एक, सबसे पहले उसमें सिरका ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे, उसके बाद साथ ही हम इसके अंदर चिली पाउडर ऐड करेंगे, इसमें कोई लम्स ना रहे इसे इस तरह मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें सीड्स ऐड करेंगे, ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फोक की मदद से ये इजीली मिक्स हो रहा है। आप हैंड मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे ताकि जो हमने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। फोक की मदद से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। स्पैगेटी हमारी बॉयल हो चुकी है।
तकरीबन 20 मिनट में। फ्लेम इसके नीचे मैं बंद कर दूंगी और इसे अब मैं छलनी में छान लूंगी। नॉन स्टिक में यहाँ पे कढ़ाई लूंगी, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। सबसे पहले मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया है और इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। जीरा मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी और प्याज का कलर भी हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। फ्लेम इसके नीचे मीडियम है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना हमने इसका। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, लाइट ब्राउन सा इसका कलर हो गया है। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करूंगी, जिसे मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब हमने चिकन को फ्राई करना है अच्छे से। इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। फ्लेम इसके नीचे मीडियम ही है। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे गलने के लिए रख दूंगी, इसके अंदर पानी ऐड करके। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने चिकन को गलने के लिए रख दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए चिकन तकरीबन गल के तैयार है। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड्स करेंगे। सबसे पहले गाजर, शिमला मिर्च, ग्रीन चिली, और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे और उसके बाद साथ ही हम इसके अंदर टमाटो केचप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। टमाटो केचप ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। चिकन तकरीबन हमारा गल चुका है, बस इस वेजिटेबल को थोड़ा सा हमने क्रिस्पी करना है। साथ ही मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे अगेन मीडियम टू लो फ्लेम पे। दो मिनट के लिए इसे मैंने कवर करके रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे।
बाकी चीज़ें भी इसकी देखें तकरीबन क्रिस्पी हो चुकी हैं। इसके नीचे एक दफ़ा मैं फ्लेम हाई कर दूंगी और हाई फ्लेम करने के बाद अब हम इसके अंदर बॉयल्ड स्पैगेटीज ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पैगेटीज ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मज़ीद इसे एक मिनट का मैं दम दे दूंगी लो फ्लेम पे। एक मिनट का इसे मैंने मज़ीद दम दिया था। हमारी चिकन वेजिटेबल स्पैगेटीज बनके रेडी है। इसके नीचे फ्लेम हम अब बंद कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। टेस्टी चिकन वेजिटेबल स्पैगेटीज की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।